गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट अकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो बेसिक सीरीज का वीडियो नंबर 46। आज हम नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 8 का सीबीएसई का जो कोर्स है वो हम ऑनलाइन करेंगे आज से, और आज हम पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। वैसे तो हमने इस चैप्टर का सारा बेसिक्स प्रॉपर्टी वो सब कुछ हमने वीडियो नंबर 41 से 45 के अंदर कवर करवा दिया है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उस वीडियो को विजिट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। रिलेशनल नंबर का सारा बेसिक्स, आपको नंबर लाइन सब कुछ कवर हो जाएगा। अभी हम इस वीडियो के अंदर क्लास 8 रिलेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को बहुत आराम से करूँगा, स्टेप बाय स्टेप चलूँगा ताकि आपको ये क्वेश्चंस पूरे समझ में आए। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, -2/3 (3/5) + 5/2 -3/5 (1/6). यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, बट क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है वीडियो नंबर 41 से 46 के 45 तक। आप प्रॉपर्टीज पहले देख लीजिए। मैं इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं वो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसका स्टेटमेंट था a(b+c) = (ab+ac). अब स्टार की जगह पे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिया हुआ है, और आप ब्रैकेट में बी प्लस सी के बीच में आप माइनस भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन दोनों में होती है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को कैसे लगाऊंगा? यहाँ पे देखो, 3/5 और 3/5, ये क्वेश्चन, ये जो नंबर है दो बार आया हुआ है, तो 3/5 है वो मेरे लिए ए का काम करेगा, और फॉर्मेट के हिसाब से ए बाहर है तो मैं इसको बाहर लेने की कोशिश करूंगा। कैसे? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 5/2। अब मैं रेड पेन से आपको इंडिकेट करके दिखाता हूं कि अगर आप इस दोनों में कुछ समझ पा रहे हो तो 3/5 को आप कॉमन निकाल सकते हो। मैं एक स्टेप और कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। 3/5 इंटू -2/3 -3/5 इंटू 1/6। एक काम करता हूं, मैं इसको प्लस करके ये माइनस में इसको दे देता हूं। मल्टीप्लाई है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं 3/5 को बाहर ले लेता हूं, तो 3/5 को बाहर लेने से क्या हो जाएगा? -2/3 -1/6 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, प्लस 5/2 हो जाएगा। देखो, -2/3 बच रहा है यहां पे और -1/6 बच रहा है, और +5/2 तो एज इट इज नीचे आ गया। अब 3/5 है, 3 और 6 का एलसीएम 6 आता है,
तो मुझे यहाँ पे तो 6 है ऑलरेडी, कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो -2 × 2 डिवाइड बाय 6 -1/6 +5/2 इज इक्वल टू 3/5। 2 2 ज़ा 4/6 -1/6 +5/2। अब 3/5 -4 -1 -5/2 -5/6 सॉरी +5/2। ये 5/5 कट हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया। तो ऊपर क्या बच रहा है, -1/2 +5/2। अब आगे लेके जाएंगे इसको, दोनों का एलसीएम ऑलरेडी सेम है, तो -1 + 5/2। अब माइनस प्लस माइनस 4 और 5 के आगे प्लस की साइन है, इसलिए प्लस होगा बाय 2। 2 2 ज़ा 4 दैट्स इक्वल टू 2। तो इस तरीके से ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 2 आता है। ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, मगर आपको इसके अंदर प्रॉपर्टी लगानी है, इसलिए आपको प्रॉपर्टी लगाकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपके ग्रिप में हो जाएगा और आप इसको आसानी से कर भी लोगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं, 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के बाद, 1 में जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 47 में कवर करेंगे।